नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। सोशल मीडिया पर इन दिनों लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला की बेटी अंजलि बिड़ला को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। खबर है कि ओम बिड़ला की बेटी अंजलि बिड़ला ने बिना एग्जाम और इंटरव्यू दिए यूपीएससी क्लियर कर लिया। वायरल मैसेज में ओम बिड़ला पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर बेटी को फायदा पहुंचाया है। ये भी कहा जा रहा है कि आरक्षित कोटे में से किसी अभ्यर्थी को हटाकर उन्हें शामिल किया गया। ओम बिड़ला और उनकी बेटी की फोटो के साथ शेयर किया जा रहा मैसेज है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला की बेटी पहले प्रयास में बनी आईएएस, ना कोई एग्जाम ना कोई इंटरव्यू, बस एक सवाल, आपके पिताजी क्या करते हैं। 90 सीट जो बैकडोर एंट्री के लिए रखा गया था, रुझान आने लगे हैं। इसे कहते हैं सत्ता का नशा। फेसबुक और ट्विटर पर बड़ी संख्या में यूजर दावे के साथ इस मैसेज को शेयर कर रहे हैं। अब सवाल यह था कि क्या सच में अंजलि बिड़ला ने बिना एग्जाम और इंटरव्यू के यूपीएससी क्लियर कर लिया। जब इस खबर का फैक्ट चेक किया गया तो सच सामने आया। पड़ताल की शुरुआत में यूपीएससी सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स की हाल में जारी हुई लिस्ट चेक की। यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर 4 जनवरी 2021 को जारी किया गया प्रेस नोट है। इसमें यूपीएससी क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स की भी सूची है। सूची में 67वें स्थान पर अंजलि बिड़ला का नाम है और रोल नंबर भी देखा जा सकता है। यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा में कैंडिडेट्स को मेंस परीक्षा में शामिल होने से पहले प्रीलिम्स क्लियर करना होता है। मेंस के बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है जिसमें फाइनल सिलेक्शन होता है। फाइनल रिजल्ट में अंजलि बिड़ला के नाम के साथ रोल नंबर भी है। यही रोल नंबर पहले चरण की परीक्षा प्रीलिम्स में सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स की लिस्ट में चेक किया, जिससे पुष्टि हो सके कि अंजलि प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल हुई या नहीं। प्रीलिम्स की लिस्ट में अंजलि का रोल नंबर देखा जा सकता है। अंजलि के अनुसार यूपीएससी ने पहले 2019 बैच के लिए 927 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सिलेक्शन लिस्ट में सिर्फ 829 कैंडिडेट के ही नाम थे। मेरा नाम लिस्ट में नहीं था। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ लिस्ट में मेरा नाम 8 मार्क्स कम होने की वजह से नहीं आया। जनवरी 2021 में यूपीएससी ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग में खाली पद भरने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था। यूपीएससी की गाइडलाइंस के मुताबिक प्रीलिम्स परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट को डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। अंजलि की सिविल सर्विस मेंस परीक्षा 2019 का एडमिट कार्ड और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भी सामने आया है, जिससे साफ है कि सोशल मीडिया पर किया जा रहा यह दावा बिल्कुल फेक है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला की बेटी अंजलि बिड़ला ने बिना परीक्षा और इंटरव्यू दिए यूपीएससी क्लियर किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।